हैव एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ कि गांव में सावन के महीने में बहुत चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी या तो चारों तरफ हरा भरा नज़र आता है। अरे, इस मौसम में हर एक चीज़ चारों तरफ हरा भरा होता है। आप चाहे जहाँ नज़र आइए, अगर आप मैदानी क्षेत्रों में आते हैं तो इधर घूमते हैं, गाँव के शहरों में घूमते हैं, गाँव में घूमते हैं तो आपको चारों तरफ सावन के महीने में बहुत हरा भरा नज़र आता है। यह ब्लॉग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताने वाला इस ब्लॉग में, गांव में किस तरीके से क्या होता है। इसलिए आपसे निवेदन, ब्लॉग में अंत तक बने रहिए। चलिए आइए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं अपने रोड पे, और ये जो रोड आपको दिखा रहा हूँ एक गांव का, इसे चक रोड बोलते हैं, और बहुत ही प्यारा रोड है। इस समय देखिए, इस रोड पर पूरी तरीके से घास उग चुकी है और कितना भी अच्छा लगता है, और थोड़ा कीचड़ भी इस रोड पर है। और इधर रोड के चारों तरफ देखिए, चारों तरफ धान के रोपाई लगा हुआ है। देखिए कितना सुंदर दिखने में लग रहा है। और कुछ समय बाद और ही चारों तरफ हरियाली नज़र आएगी। देखिए किस तरीके से चारों तरफ, आप अगर शहर से बिलोंग करते हैं तो आप गांव की हरियाली को आनंद नहीं उठा पाते हैं, तो इधर से देखिए आपकी नज़र जहां तक जा रही है उधर पूरी तरफ पूरी तरीके से हरियाली छाई हुई है। और फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाँव में किस तरीके से लोग खेतों में पानी सींचते हैं, किस तरीके से खेत में उस जगह सूखा भी पड़ जाता है, और वहाँ पर पानी की बरसात ना होने के कारण किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ना ही कोई तालाब है, ना कोई नहर है, इसलिए यहाँ की तराई जो क्षेत्र है, यहाँ की सिंचाई अधिकतर ट्यूबवेल द्वारा होती है। इसके मतलब मैं आपको ट्यूबवेल भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे होती है। तो आइए आप लोग ब्लॉग में अंत तक बने रहिए। यहाँ देखिए बाजरे की खेती की गई है। ये बाजरा है जो जानवरों को चारे में इस्तेमाल किया जाता है, इसको काटकर खिलाया जाता है। बाजरा है, इसके बगल में आपको दिखा दें, ये है ट्यूबवेल, जो गांव का छोटा मोटा टूटा फूटा ट्यूबवेल रहता है, जिसके जरिए किसान लोग अपनी खेत की सिंचाई करते हैं। ये देखिए ट्यूबवेल है, और ट्यूबवेल जो इंजन ढका हुआ है, और यहां से लोग सिंचाई भी करते हैं। इसके बगल में है धान। ये देखिए धान कितना सुंदर लगता है इस मौसम में। अगर आप बाहर रहते हैं, अगर आप गाँव के तरफ आएँ तो आप चारों तरफ हरियाली, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक की सुंदरता इस समय बहुत ही सुंदर लगती है। और इधर और आप फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इधर बगल में जो है बाग है, बाग भी चारों तरफ से हरा भरा दिख रहा है इस मौसम में, जो कि बरसात के मौसम में चारों तरफ हरा भरा दिखता है। दोस्तों, यह ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर कर दे, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट ब्लॉग आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, धन्यवाद।